एक इंसान भारी दुनिया के स्ट्रेसर्स जैसे फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इश्यूज, ब्रेकअप या फैमिली प्रॉब्लम्स पर किस तरह से रिएक्ट करता है, ये डिपेंड करता है कि उसमें कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है। एक इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ उसकी एज, जेंडर या स्टेटस पर नहीं बल्कि उसकी मेंटालिटी पर डिपेंड करती है। यानी मेंटल स्ट्रेंथ कोई गिवन एडवांटेज से नहीं आती और इसे कोई भी डेवलप कर सकता है। इसलिए आपकी सोच को बदलने और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे कई साइंस की जो हर मेंटली स्ट्रांग इंसान में कॉमन होते हैं। साइन नंबर 1, वर्किंग विदाउट एनी रिजल्ट इन साइट। जब भी आप किसी नए गोल पर काम करना शुरू करते हो तब आपको मेजरेबल रिजल्ट्स मिलने में बहुत समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में एक नई दुकान खुलती है तो वो खुलते ही प्रॉफिट नहीं बनाने लगती, पहले उसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है, कस्टमर्स को लुभाने के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स देने होते हैं और फिर जाके कहीं एक स्टोर प्रॉफिटेबल बन पाता है। या जब एक इंसान फैट लूज करने का गोल बनाता है तब इतने हफ्तों तक तो उसकी मेहनत का कोई रिजल्ट ही सामने नहीं आता। बिगनिंग से लेकर विजिबल रिजल्ट तक की जर्नी टॉर्चरस होती है। आप एक गोल पर काम कर रहे होते हो वो भी बिना इस गारंटी के कि वो काम इफेक्टिव है, और इस प्रोसेस में सिर्फ वो लोग ही टिक पाते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। साइन नंबर 2, यू नो दैट नोबडी ओज यू एनीथिंग। मेंटली स्ट्रांग लोग ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि दुनिया उन्हें कुछ ओ नहीं करती। आप अभी शायद ये सोचते हो कि आप सक्सेस तो ऑलरेडी डिजर्व करते हो, या एटलीस्ट आप जहां पर हो आपको उससे एक बेहतर जगह पर होना चाहिए था, क्योंकि आपने दूसरों से ज्यादा मुश्किलें झेली हैं और लाइफ आपके साथ अनफेयर है। लेकिन ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है कि कोई भी इंसान इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ को डिजर्व नहीं करता। कोई भी अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास चल कर नहीं आएगी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ये एक कड़वा सच है जिससे मेंटली स्ट्रांग लोग काफी वाकिफ होते हैं। दैट्स वाई ऐसे लोग एक्शन पहले लेते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं और कभी कंप्लेन करके बीच रास्ते में क्विट नहीं करते, जिससे इवेंचुअली वो अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच ही जाते हैं। साइन नंबर 3, दे आर हार्श ऑन देमसेल्व्स। मेंटली स्ट्रांग लोग एक लंबी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं एक छोटे से समय में। उनमें जिंदगी को जीने की जल्दबाजी होती है क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनके पास खुद पर काम करने के लिए बहुत ही लिमिटेड समय है। इसी वजह से हर मेंटली स्ट्रांग इंसान खुद पर काफी हार्श होता है। वो खुद को हर तरह से डिसिप्लिन रखने की कोशिश करता है। वो सोचता अलग है, खाता अलग है, पहनता अलग है और बोलता अलग है। उसके हर एक्शन का बस एक ही पर्पस होता है और वो है खुद की लिमिट्स को पुश करना और अपना बेस्ट वर्जन बनना। साइन नंबर 4, दे कैन सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम फीलिंग्स। ज्यादातर लोगों की जिंदगी उनके इमोशंस के बेसिस पर चलती है। जो रंग उस समय उनके इमोशंस का होता है वही रंग उनकी रियलिटी ले लेती है। इसे साइकोलॉजी में बोलते हैं अफेक्टिव रियलिज्म, यानी रियलिटी को अपने इमोशंस के लेंस से देखना और उसे ही फैक्ट समझना। ऐसा सिर्फ मेंटली वीक लोग ही करते हैं जो सच्चाई को फेस करने से डरते हैं। वरना जो भी इंसान मेंटली स्ट्रांग होता है वो इमोशनल होने पर भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता और अपनी इंटरनल फीलिंग्स को अलग कर पाता है बाहरी दुनिया से। इसी वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग सच के ज्यादा पास होते हैं। साइन नंबर 5, दे गिव देयर ओन मीनिंग टू नेगेटिव इवेंट्स। रियलिटी को एज इट इज देखने के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग लोग रियलिटी को अपने फेवर में करना भी जानते हैं, उसे एक डिजायर्ड मीनिंग देकर। अगर उनके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ था तो वो बोलेंगे कि वो होना जरूरी था उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए। आइंस्टाइन बोलते थे, वन कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यूज्ड टू क्रिएट इट। यानी हर नेगेटिव चीज को नेगेटिविटी से नहीं बल्कि पॉजिटिविटी से मारा जाता है। इस तरह से आपकी जिंदगी की दिशा दुनिया नहीं बल्कि आप खुद चुन पाते हो। साइन नंबर 6, दे एक्टिवली वर्क ऑन बिकमिंग मोर मेंटली स्ट्रांग। मेंटल स्ट्रेंथ कोई ऐसा ट्रेट नहीं है जो बिना प्रैक्टिस के एग्जिस्ट कर सके। मेंटली स्ट्रांग लोग रेगुलरली खुद को चैलेंज करते हैं, खुद को टेम्परेरली डिस्कम्फर्ट देते हैं और बड़े से बड़ा रिस्क लेते हैं अपनी मानसिकता को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए। इस तरह से खुद को कोच करने की सलाह एक्स नेवी सील डेविड गॉगिंस देते हैं अपनी बुक कांट हर्ट मी में, जिसकी बुक समरी अवेलेबल है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प और इसी तरह की कई और इंटरेस्टिंग फील्ड्स की नॉलेज बहुत ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर आप 1000 hours से ज्यादा के ऑडियो कॉन्टेंट को एंजॉय कर सकते हो। ये ऐप इंडिया में बनी हुई है और आप इस पर अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स का मजा ले सकते हो, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। नॉलेज के साथ साथ आप हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड PH50 का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट भी पा सकते हो। यानी ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए 399 rupees की जगह आपको पे करना होगा ओनली 199 rupees। इस तरह से नया ज्ञान हासिल करते हुए आपके समय और पैसों दोनों की बचत होगी। इसलिए अपनी लर्निंग और नॉलेज हासिल करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाओ। कुकू FM को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके और हमारा स्पेशल कूपन कोड PH50 का यूज करके। साइन नंबर 7, दे आर काइंड एंड क्रूअल एट द सेम टाइम।
रियलिटी डुअल साइडेड है और इंसान भी। कभी आपको दूसरों की दया और मासूमियत देखने को मिलेगी और कभी उनकी हैवानियत। मेंटली स्ट्रांग लोग इन दोनों एक्सट्रीम से डील करने के कैपेबल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कमजोर इंसान सेफ्टी के लिए एक एक्सट्रीम में भागता है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बनना चाहता है और एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। लोनली इंसान लोगों का साथ चाहता है और जिसके पास लोगों का साथ ऑलरेडी है वो अकेलापन चाहता है। लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग इंसान दोनों एक्सट्रीम्स को अपने साथ लेकर चलता है। वो इंट्रोवर्टेड भी होता है और एक्सट्रोवर्टेड भी, अकेला भी और सोशल भी। उसकी पर्सनैलिटी टुकड़ों में डिवाइडेड नहीं बल्कि एक होल यानी कंप्लीट होती है। साइन नंबर 8, दे नो देयर वीकनेसेस। अपनी वीकनेसेस के बारे में उस इंसान से ज्यादा कॉन्शियस कोई नहीं हो सकता जो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप किसी न किसी वे में स्ट्रेंथ को जानते हो तो ये पक्का है कि आपका रिश्ता वीकनेस से भी जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें ही साथ साथ चलती हैं। स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचने पर आप एक तरह से अपनी वीकनेसेस के बारे में भी सोच रहे होते हो। साइन नंबर 9, दे डोंट फॉल फॉर संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज, काम या इंसान में अपना समय, पैसा या एनर्जी इन्वेस्ट करते हो तो इवन अगर वो चीज आपको लॉस में ले जा रही हो फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि आपने उसमें इतना इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोगों को ये पता होता है कि कब पानी सर के ऊपर चला गया है और कब समय होता है क्विट करने का। क्विटिंग इज नॉट रॉन्ग व्हेन विनिंग इज नॉट एन ऑप्शन। एक हारती हुई गेम में दाव लगाते जाने से बेहतर होता है एक नई गेम शुरू करना, फिर चाहे दूसरे आपको क्विट और मूव ऑन करने के लिए पागल ही क्यों ना बोले। साइन नंबर 10, मेंटल प्रेजेंस। वो मन जो मूवमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहता है वो काफी शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो सिचुएशन के टेंस होने पर भी अपने गोल से भटकता नहीं है। ज्यादातर लोगों का मन प्रीऑक्यूपाइड होता है जंक इन्फॉर्मेशन से जिसे वो मीडिया और एवरेज लोगों की बातों से हासिल करते हैं, जबकि मेंटली स्ट्रांग लोगों का मन यूजुअली काफी खाली और साफ रहता है। एक खाली मन तेज तरार और पानी की तरह अनब्रेकेबल होता है, जबकि जो मन बिलीव्स, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होता है वो कमजोर और धीमा होता है। साइन नंबर 11, यू aren't scared ऑफ द बिग थिंक। एवरेज लोग बड़ी सोच को एक राक्षस की तरह ट्रीट करते हैं और हर बड़ी सोच रखने वाले को पागल मानते हैं। आज की सोसाइटी में बड़ा सोचने का मतलब है अपने अराउंड 99% लोगों को ऑफेंड करना। आपके बड़े गोल्स दूसरे लोगों के लिए एक थ्रेट हैं, क्योंकि एक वीक माइंडेड पर्सन सबकॉन्शियसली ये जानता है कि बड़े गोल्स डिमांड करते हैं बड़े और रिस्की एक्शन को। इसलिए बड़े बड़े सपनों, गोल्स या फिर सक्सेस की बातें ऐसे लोगों को फिजूल की लगती हैं, जबकि हर मेंटली स्ट्रांग इंसान को सक्सेस की अहमियत बहुत अच्छे से पता होती है। और तभी आप नोटिस करोगे कि क्यों हाईली सक्सेसफुल लोग मेंटली इतना प्रेशर झेलने के आदि हो रखे होते हैं। साइन नंबर 12, यू आर विलिंग टू सफर टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू ऑल। किसी भी सोसाइटी में सैक्रिफाइसेस वीक लोग नहीं बल्कि स्ट्रांग लोग देते हैं। हर सिविलाइजेशन महान और स्ट्रांग लोगों की देन होती है। खुद को सैक्रिफाइस कर देना दूसरों की भलाई के लिए ये काम एक कायर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि एक कायर तो खुद का बोझ उठाने के काबिल भी नहीं होता। इसलिए ये एक और ऐसा साइन है जो सिर्फ मेंटली स्ट्रांग लोगों में ही देखने को मिलता है, यानी दे आर हाईली सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड काइंड। साइन नंबर 13, यू aren't afraid of death। खुद से पूछो कि क्या अगर मौत अगले ही मोमेंट में आपकी आंखों के सामने खड़ी हो तो क्या आप उसे अपनाओगे या फिर क्या आप उससे दूर भागोगे और मरने के डर की वजह से अपनी जिंदगी को भी नर्क जैसा बना दोगे। ज्यादातर लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी मौत से डरते हैं, क्योंकि हमारी ईगो एक ऐसी चीज है जिसका वजूद सिर्फ मैं पर्टे का है और इस मैं के मरने का डर हमारी ईगो के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। हाउएवर, मेंटल स्ट्रेंथ होने का मतलब कि एक इंसान ये जानता है कि उसका वजूद उसकी ईगो के पार जाता है और मौत सिर्फ एक आइडिया है ना कि रियलिटी।